सब्सक्राइब कीजिए देसी इंजीनियर चैनल को और बेल की घंटी बजा दीजिए नए अपडेट्स पाने के लिए। किसी ने कहा है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो उस आदमी से पूछिए जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है, या जिस फील्ड में भी आपको सक्सेसफुल होना है उस फील्ड के सक्सेसफुल पर्सन से पूछिए कि आपने ये कैसे हासिल किया, तो आपका रास्ता बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि अगर हम अपने ही गलती से सीखेंगे तो हमारी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस चैनल पर, और आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो अगर इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के दुनिया के महागुरु वॉरेन बफेट कहते हैं कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। कहते हैं अपना सभी इन्वेस्टमेंट को एक जगह पे मत करो, वरना हो सकता है कि तुम उस इन्वेस्टमेंट से भी हाथ धो बैठो। तो यानी कि डाइवर्सिफिकेशन, उनका कहना है डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। तो एक आम आदमी कितना डाइवर्सिफाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन जहां प्रॉब्लम होता है वहां सॉल्यूशन भी होता है। तो इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन लोगों ने निकाल लिया है, और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का नाम है म्यूचुअल फंड। तो आज इस छोटे से वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड के 10 ऐसे फायदे बताऊंगा जिनको जानने के बाद आप भी सोचेंगे, आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। तो चलिए जानते हैं म्यूचुअल फंड के 10 बहुत ही जबरदस्त। म्यूचुअल फंड का जो सबसे पहला फायदा है वो है सबसे ज्यादा रिटर्न। जितने भी इंस्ट्रूमेंट आपको मिल जाएंगे लीगल सेबी के द्वारा कंट्रोल, उनमें म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा रिटर्न देता है अगर हम बात करें तो। हालांकि शेयर मार्केट में अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करें तो इससे थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हेडेक भी आपको मिलेगा। तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट में हैं उनमें से लगभग सबसे ज्यादा आपको रिटर्न मिलता है म्यूचुअल फंड में। इसके बाद जो दूसरा इसका बहुत ही अच्छा फायदा है वो है डाइवर्सिफिकेशन, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। और यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ही आसान है, वो इसीलिए क्योंकि आपको सिर्फ एक म्यूचुअल फंड खरीदना है और आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है। आपके पैसे को म्यूचुअल फंड कंपनी अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करती है, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करती है, और आपको मिल जाता है डाइवर्सिफिकेशन बैठे बिठाए बिना किसी टेंशन के। अब बात करते हैं तीसरे फायदे के बारे में, और वो तीसरा फायदा है टैक्स सेविंग। आपको इतना अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है, डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है, उसके साथ साथ आपको टैक्स सेविंग भी मिल, टैक्स सेविंग का भी आपको फायदा मिल रहा है। तो अगर आप ईएलएसएस के जरिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको काफी अच्छा टैक्स सेविंग का फायदा इसमें मिल जाता है। आप 1 लाख रुपए तक के, आपके 1.5 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट में आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है, और इस तरीके से आप अच्छा टैक्स बचा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके चौथे फायदे के बारे में। जो इसका चौथा फायदा है वो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। हमें नहीं पता कि कल मार्केट में क्या होगा, और हम सब कंपनीज के बारे में जा जाकर रिसर्च नहीं कर सकते। तो इसका क्या, ये प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन भी है। इसका सॉल्यूशन है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के अपने बहुत ही प्रोफेशनल मैनेजर होते हैं जिनको मार्केट की स्ट्रेटेजी पता होती है, मार्केट के बारे में उनको पता होता है, तो वो लोग उनका फायदा आप उठा सकते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वे आपके फंड को मैनेज करते हैं, तो इसका फायदा। अब इसका जो नेक्स्ट फायदा है वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी यानी कि आप कभी भी पैसा लगाइए, कभी भी निकाल लीजिए, जब चाहे आप परचेस कीजिए, जब चाहे आप सेल कर दीजिए, और सेल भी आपका चुटकी में हो जाएगा क्योंकि खरीदने वाले हजारों लाखों लोग पहले से तैयार बैठे हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लिक्विडिटी है। अगर आपके पास सोना है तो आपको सोने को लेके जाना पड़ेगा मार्केट में, बेचना पड़ेगा। हो सकता है आपके लोकेलिटी में बेचने वाला बंदा, खरीदने वाला बंदा भी ना मिले, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे सारा काम ऑनलाइन है और आप चुटकी में बेच देते हैं, तो ये इसका बहुत अच्छा फायदा है। और इसके बाद जो इसका नेक्स्ट फायदा है वो है लोवेस्ट लॉक इन पीरियड, यानी कि सबसे कम लॉक इन पीरियड मिलता है आपको इस प्लान में, म्यूचुअल फंड में। कैसे? अगर आप बात करते हैं पीपीएफ की, फिक्स डिपॉजिट की, या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, तो वहां पे काफी लंबा लॉक इन पीरियड होता है। फिक्स डिपॉजिट का कम से कम आप 1 साल तो करोगे ही, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जो भी हो आपके ऊपर है। लेकिन अगर बात करें पीपीएफ की, 15 साल, किसान विकास पत्र की 6 साल, लेकिन यहाँ पे आपको 1 साल और 3 साल का लॉग इन पीरियड मिलता है, जो काफी कम है। नॉन टैक्स सेविंग में 1 साल और टैक्स सेविंग में 3 साल का लॉग इन पीरियड होता है, जो काफी अच्छी बात है। अब इसके जो नेक्स्ट फायदे की बात करें तो ये सुटेबल फॉर एवरीवन, ये किसी के लिए भी सुटेबल है, क्योंकि यहाँ पे आप 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो और आप अनलिमिटेड इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप एक बहुत ही आम आदमी हो, अरविंद केजरीवाल के बहुत नजदीकी आम आदमी हो, तो आप 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो
और अगर आप अंबानी के नजदीकी हो तो आप करोड़ों रुपए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये दोनों के लिए, अरविंद केजरीवाल के बंदे के लिए भी और अंबानी के बंदे के लिए भी, दोनों लोगों के लिए बहुत ही सुटेबल है। अब मैं नेक्स्ट फायदे की बात करूं तो ये बहुत ही अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल इसलिए है क्योंकि आप इसमें 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और 500 रुपए तो कोई भी कर सकता है। बहुत ही कम कमाने वाला इंसान भी 500 रुपए महीने की SIP तो कर ही सकता है, इसलिए ये हर किसी के लिए अफोर्डेबल भी है। अब जो नेक्स्ट फायदे की अगर हम बात करें तो वो है इजी टू बाय एंड इजी टू सेल। इसको खरीदना बहुत ही आसान है और इसे बेचना बहुत ही आसान है। एक बार आप KYC करवा लेते हैं जो 5 कंपनीज हैं उनके थ्रू, तो आप बहुत ही आसानी से म्यूचुअल फंड परचेस कर सकते हैं और बेच सकते हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त बात है। इसके बाद जो नेक्स्ट फायदा है वो है ह्यूज वैरायटी। म्यूचुअल फंड में आपको इतने नाम मिल जाएंगे, इतनी कंपनियां मिल जाएंगी जो कहीं और नहीं मिलेंगी। लार्ज कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, स्टॉक फंड, ये फंड, वो फंड, ग्रोथ फंड, पेंशन फंड, न जाने कितने फंड, इतना ऑप्शन मिलता है आपको, इतना शायद कहीं और नहीं मिलता। तो ये 10 बातें जो मैंने आपको बताई, ये वाकई में बहुत जबरदस्त बातें हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा था होगा, तो आशा करता हूं आपको ये 10 फायदे पसंद आएंगे और ये वीडियो भी पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं जिन्हें आप इस फायदे के बारे में बताना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।